हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू तो न्यू वीडियो मीट करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों आप लोगों के सामने खड़ी हुई है ब्रांड न्यू यमा आर एन फाइव वर्जन फोर ब्लू कलर जो कि नया ब्लू कलर है उससे पहले आपको बता दूं वीडियो शूट करो दोस्तों स्वास्थिक यामा में रायपुर कॉन्टैक्ट नंबर दोस्तों मैंने दे रखा है शोरूम का अगर आपको कोई भी यमा से रिलेटेड कोई भी बाइक खरीदनी है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको फाइनेंस में ख़रीदना है अगर आपको एक्सचेंज में खरीदना है मैंने स्वास्थ्य यामा का कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप कॉन्टेक्ट करके यामा की कोई भी बाइक खरीद सकते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में नई वाली आर एन फे ब्लू का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं क्या प्राइस आती है क्या स्पेसिफिकेशन है क्या बजट में आप इसे खरीद सकते हैं सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं अगर चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा देखिए अगर वो ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सकें एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें सो so चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम दोस्तों बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में आपको ये क्या प्राइस देखने को मिलती है अब जाहिर सी बात है अगर हम कोई भी चीज़ खरीदने वाले हैं ख़रीदने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले हम अपने बजट के बारे में सोचते हैं कि हमारे पास पैसा कितना है जितना हमारे पास बजट होता है जितना हमारे पास पैसा होता है उसके हिसाब से हम किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं आपको मैं क्लियर कर दूं आर एन फाइव वर्जन फोर सीरीज़ में ये दोस्तों जो ब्लू कलर है ना ये टॉप मॉडल है जी हाँ आर एन फाइव वर्जन फोर सीरीज़ में आर एन फाइव एम में जाएंगे आप तो वो और ज़्यादा टॉप मॉडल है बट वी फोर सीरीज में नॉर्मल सीरीज में ये टॉप मॉडल है ये आपको एक्सो रूम प्राइज़ आती है लगभग वन लैख एटी सेवन थाउजेंड एक लाख सत्तासी हज़ार रुपये के आसपास की आपको ये एक्सो रूम प्राइज़ देखने को मिलती है मेरे स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में काफ़ी डिफरेंस होता है इसलिए मैं ऑन रोड प्राइस फ़िलहाल मेंशन नहीं कर रहा हूँ अगर आपको ऑन रोड प्राइस जानना है तो मैंने स्वास्थ्य क्या माँ का कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है आप कॉल कर सकते हैं और उसका ऑन रोड प्राइस भी पूछ सकते हैं और अगर आपको तो बाइक ख़रीदना है फाइनेंस में तो आप उसके लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अगर आप छत्तीसगढ़ से नहीं हैं किसी और स्टेट से है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ इसका क्या प्राइस है चलिए इसके रिव्यू में आते हैं सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ उसके चेंजेस क्या किया है कंपनी ने इसमें दोस्तों सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है वो हुआ है दोस्तों इसकी सस्पेंशन में पहले इसमें आपको वैसे वाली गोल्डन यूएसडी सस्पेंशन मिलते थे बट अब कंपनी ने इसमें नॉर्मल ब्लैक सस्पेंशन दे दिया सबसे बड़ा फर्क आपको ये मिल रहा है दूसरा डिफरेंस है दोस्तों इसका ये ग्राफिक पहले आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे जो आर एंड फाइव की बैचिंग मिलती थी ना वो ग्राफिक थोड़ा सा अलग था कंपनी ने थोड़ा नया ग्राफिक यहाँ पे दिया है ये एक मेजर चेंज हुआ है इस बाइक में बाकी और कोई ज़्यादा चेंजेस आपको नहीं मिलेगा चलिए दोस्तों आ जाते हैं इसके रिव्यू में सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी फ्रंट लाइट के बारे में जैसे ही मैं की ऑन करता हूँ यहाँ पे इसकी जो डी लाइट है दोस्तों वो ऑन हो जाती है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डुअल एल ई लाइट देखने को मिलती है विच इज़ वेरी प्रीमियम बहुत प्रीमियम लाइट दिया कंपनी ने बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है मेन लाइट के बारे में बात कर लें इस बाइक में आपको दोस्तों सिंगल एल प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिलती है भाई आप सोच रहे होंगे एक तो सिंगल एलईडी प्रोजेक्टर लाइट ऊपर से इतनी छोटी तो ये क्या ही इल्यूमिनेशन एंड विजिबिलिटी देती होगी बट आप यहाँ पे रॉन्ग है इसकी लाइट की इल्यूमिनेशन एंड विजिबिलिटी इतनी तगड़ी है ना कि इसमें आपको कोई और एक्स्ट्रा फॉगलेट लगाने की नीड नहीं है जी हाँ दोस्तों इसकी लाइट की जो नाइट की मैंने विजिबिलिटी देखी है ना भाई वो बहुत जोरदार है जी हाँ बहुत अच्छी आपको विजिबिलिटी इसकी देखने को मिलेगी देखिए अभी मैं पास मारूंगा तो ये लाइट ऑन नहीं होगी ऑन करने के लिए एक बस में से बार बस मैं इसे ऑन करूंगा उसके बाद छोड़ दूंगा मतलब ऑफ कर दूंगा देखते हैं अगर इसमें पेट्रोल है थोड़ा तो एक बार मैं इसे ऑन करता हूँ ऑन किया मैंने बस यहाँ से ऑफ कर दिया अब इसकी जो प्रोजेक्टर है वो ऑन हो जाएगी ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको फुली एलईडी प्रोजेक्टर लाइट आपको बाइक में देखने को मिल रही है जो टर्नस सिंगल लेप मिलते हैं वो आपको बल्ब देखने को मिल जाते हैं अगर आपको एल ई डी सिंगल लैप लेना है तो आप आर एन एम में जा सकते हैं ठीक है बात करें फन सस्पेंशन के बारे में फ्रंट में दोस्तों इस बाइक में आपको 37 सेवन mm एम की यूएसडी यानी कि अप से डाउन सस्पेंशन मिलते हैं विच इज वेरी प्रीमियम सस्पेंशन कंपनी ने काफ़ी अच्छे सस्पेंशन दिए हैं और यही एक चेंज हुआ है पहले इसमें गोल्डन आते थे अब कंपनी ने इसमें ब्लैक दे दिया है तो ये नया कॉम्बिनेशन आपको बाइक में मिल रहा है दोस्तों आर एन फाइव में टायर साइज में फ्रंट में हंड्रेड एटी सौ अस्सी के टायर साइज़ देखने को मिलते हैं बात करें ब्रेकिंग के बारे में ब्रेकिंग में दोस्तों स्पेशल फीचर में इसमें आपको डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है जी हाँ ए है जो कि डुअल चैनल ए मिलता है बात करें प्लेट साइज के बारे में तो फ्रंट में आपको टू एटी टू दो सौ बयासी एम की जो प्लेट साइज है वो आपको बाइक में फ्रंट में देखने को मिल जाती है चलिए बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में इंजन टाइप में आर एन फाइव पे दोस्तों वन डबल फाइव सी सी का लिक्विड कुल फोरिस्टोक एस एस सिंगल सिलेंडर जो इंजन है वो आपको इस बाइक में देखने को मिलता है बात करें इसकी पावर एंड टॉर के बारे में ये मैक्सिमम पावर में एटीन पॉइंट फोर का पी एस पावर जनरेट करती है एंड फोर्टीन पॉइंट टू का आपको ये बाइक जनरेट करके देती है दोस्तों आप लोग सोचते होंगे हमारे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि भाई आर एन फाइव एक सौ पचपन सी सी की बाइक है बट इतना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे करती है उसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों इस बाइक का वी वी ए टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं वेरिएबल वर्ल्ड एक्वेशन इस टेक्नोलॉजी की होने की वजह से दोस्तों ये 150 सेगमेंट की बाइक है बट अच्छी अच्छी 200 सेगमेंट की बाइक को पूरा टक्कर देती है और उनको इवन बीट करने का दम रखती है उसका सबसे बड़ा कारण है वी वी ए टेक्नोलॉजी ठीक है दोस्तों इस वाली मॉडल में आपको स्लीपर क्लच भी मिलता है इस वाली मॉडल में आपको जो किक किफ्टर है वो भी हमें देखने को मिलेगा रेसिंग ब्लू में और आप देख पा रहे हैं इसमें लिक्विड कुल इंजन मिलता है कंपनी ने काफ़ी बड़ा जो रेडिटर है इस बाइक में यूज़ किया है प्लस दोस्तों ये बी एस सिक्स विथ ई ट्वेंटी नॉर्म्स के साथ में आती है प्लस आपको पता है यमा एक जापानीज ब्रांड है जहर सी बात है जापानीज ब्रांड की जो क्वालिटी आपको मिलेगी वो काफ़ी सुपर देखने को मिलेगी आपकी चाहे वो बाइक हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो ठीक ये था दोस्तों इस बाइक का इंजन स्पेसिफिकेशन बात करने लें इसकी माइलेज एंड परफॉर्मेंस के बारे में दोस्तों आपको मैं बता दूँ ये बाइक मिनिमम आपको लगभग 40 टू 45 के आसपास आसपास का माइलेज ऑफ़र कर देती है डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्किल पे क्योंकि हर किसी के राइड right करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है कोई ज़्यादा एग्रेसिव राइड करता है कोई नॉर्मल राइड right करता है बट फिर भी आपको फोर्टी या एवरेज माइलेज निकाल कर दे देती है ठीक जीरो टू हंड्रेड में इस बाइक को लगभग दस से ग्यारह सेकेंड लगते हैं टॉप स्पीड आपको इसकी वन फोर्टी से वन फोर्टी फाइव किलोमीटर पर आवर के आसपास की टॉप स्पीड आपको इसकी मिल जाती है अब आते हैं दोस्तों इसके रियल प्रोफाइल में मैं की ऑन कर पाऊँ ये देख पा रहे हैं टेल लाइट आपको यहाँ पे प्योर एलईडी देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है रियर में दोस्तों जो टायर साइज मिलेंगे आपको वारन फाइव में वो मिलेंगे वन फोर्टी सेवेंटी के रियर में इस बाइक में आपको टू ट्वेंटी दो सौ बीस एम एम की जो डिस्क प्लेट है वो आपको रियर में मिलती है ये बाइक का एग्जॉस्ट है अब देख पा रहे बहुत अच्छी एग्जॉस्ट कंपनी ने यहाँ पे दी हुई काफ़ी बेसी साउंड करती है प्लस रियर में आपको बाइक में मोनोसॉक्ट सस्पेंशन इस बाइक में मिल जाता है प्लस फुटरेस क्वालिटी भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी बात कर लेते हैं दोस्तों इसके सीट के बारे में तो सीट पे दोस्तों आर एन फाइव में आपको स्प्लिट सीट मिलता है जिसे हम दो पार्ट पे भी सीट कहते हैं वन नाइन टू ठीक ये स्ट्रिप बहुत काम की चीज़ है अगर आपको बाइक पकड़ के पीछे खींचना है या फिर आप पिलियन बैठे हैं पिलियन सामने ना इसमें स्लिप स्लिप हो इस वजह से कंपनी ने स्ट्रिप इस इसमें दिया हुआ है बहुत सारे लोग पूछते हैं इसके बारे में ये बाइक का टैंक डिज़ाइन है जब आपको ई की बैचिंग मिल रही है यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है यहाँ पर मोटरसाइकिल कनेक्ट की आपको बैचिंग मिल रही है बात फिर स्पीडो के बारे में सबसे पहले आप की देख लीजिए इस टाइप की आपको बाइक में मिलेगी स्पीडोमीटर में दोस्तों इस बाइक में आपको फुली डिजिटल मीटर देखने को मिलता है जिसमें आपको काफ़ी सारे जो फीचर है वो आपको देखने को मिलेंगे एंड जो आर एन फाइव एम है ना दोस्तों उसमें भी सेम मीटर मिलता है साइज़ बट यहाँ पे उसमें टी एफ टी है और इसमें डिजिटल है एल सी डी पैनल है फीचर्स में दोस्तों सबसे पहले देख पा रहे हैं ये गियर इंडिकेटर है ये टेको है जिसे एल्प मीटर भी कहते हैं यहाँ पे आपको क्लॉक मिल जाता है ये इसका स्पीडोमीटर है ये फ्यूल इंडिकेटर है यहाँ पे आपको ट्रिप पॉइंट ट्रिप टू मिलेगा ठीक वो आपको मैं चेंज करके दिखाता हूँ यहाँ से आप इसे चेंज करेंगे देख रहे हैं एवरेज है उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल है बैटरी वोल्टेज है कोलिंग टेम्परेचर है ट्रैक यानी कि मोड है ये प्लस बाइक में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाता है मतलब फीचर वाइज उस पर उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर देखने को मिलेंगे स्विचे में ये पास पाँच सिर्स तोबी महबीन टन सिंगल लाइफ हॉन यहाँ पे आपको इंजन के स्विच हजार का स्विच और एक स्पीडोमीटर कंट्रोलर स्विच मिल जाता है बात कर ले दोस्तों इसके डिमिनंशन एंड कैपेसिटी के बारे में देखिए आर एन फाइव काफ़ी लाइट वेट बाइक है जिसका तो वेट है जस्ट अराउंड वन फोर्टी टू के जी फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलेगी अराउंड एलेवन लीटर ग्यारह लीटर पेट्रोल एक बार में फ्यूल करा सकते हैं सी राइट है आठ सौ पंद्रह एम एम आपकी राइट फाइव पॉइंट थ्री से ऊपर है तो आप कंफर्टेबल राइड कर सकते हैं ग्राउंड के अंदर इनसे वन फाइन डी एम एम का फिर तो दोस्तों ब्रांड न्यू जमा आर एन फाइव न्यू ब्लू का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डेग्यू अब आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको नई वाली आर एन फाइव कैसी लगी प्रश्नली भाई मुझे ये ब्लैक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा भाई ये मुझे ये न्यू ब्लू बहुत अच्छी लगी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना चलिए दोस्तों फुलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लव यू ऑल जय हिंद वंदे मातरम